हाय फ्रेंड, आप देखिए इसमें जो है इंडक्शन है, इसमें फॉल्ट है, E2 आ जा रहा है। जैसे ऑन कर रहे हैं 1600 और प्लस भी कर रहे हैं, फिर भी E2 आ जा रहा है। इसमें इस तरह से इसमें फॉल्ट है, इसे कैसे ठीक करें, तो चलते हैं, खोलते हैं, देखते हैं सर्किट में क्या प्रॉब्लम है। देखिए सर्किट मैंने खोल लिया है, देखिए इसके कैपेसिटर फटा हुआ है। 450 वोल्ट का कैपेसिटर, इसमें 4.7 मिली हराइट का जो लगा हुआ है, और ये कंडेंसर जो है फटा हुआ है। इसे इसी का इस फॉल्ट है जो कि E2 आ जा रहा है। इसमें वोल्टेज सप्लाई ठीक से नहीं हो रहा था, इसलिए E2 आ जा रहा है। तो इसे रिमूव करके उसका लगाते हैं, 4.7 वोल्ट का है, हम इसे निकाल देते हैं। ऐसे देख सकते हो 450 वोल्ट का है। इसमें हम DTH का जो भी 450 वोल्ट का 3300 μF का जो भी है कैपेसिटर, इसको हम इसे इसमें लगा दिए हैं, और देखते हैं ऑन करके इसमें ऑन हो रहा है कि नहीं। सेम इसका पावर सेम है, कोई इसमें फर्क नहीं है। DTH लगाने के बाद देखते हैं इसमें ऑन हो रहा है कि नहीं। ऑन कर देते हैं, 1600 पावर में लगाते हैं, 2000 में लगा देंगे। देखिए अब तो इसमें ओ फॉल्ट नहीं हो रहा है, E2 नहीं आ रहा है, जब कंडेंसर इसका फटा हुआ था, इसलिए इसमें वोल्टेज सप्लाई ठीक से नहीं हो रहा था। इसी कारण से जो है इसमें E2 आ जा रहा था, तो हमने इसे रजिस्टर को चेंज करके ठीक कर लिया।